प्रदेश भर में विगत 12 दिनों से एम्बुलेंस कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। जीवीके कंपनी की ओर से पुराने कर्मचारियों के स्थान पर अनट्रेड कार्मिक लगाकर सेवाओं का संचालन किया जा रहा है। उधर पुराने कर्मचारियों की मांग पर अब तक सरकार तथा कंपनी की ओर से ध्यान नहीं दिए जाने को लेकर बुधवार को राजस्थान प्रदेश एम्बुलेंस कर्मचारी संघ ने जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन दिया। जिला कलेक्टर को दिए गए ज्ञापन में संघ पदाधिकारियों ने बताया कि प्रदेश भर में विगत 2 सितंबर से 104 एवं 108 एम्बुलेंस कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई वार्ता का संदेश नहीं मिला है, ना ही कोई कर्मचारियों को उचित आश्वासन दिया गया कि जिससे कर्मचारी संतुष्ट होकर अपना कार्य पर लौट सके। संघ पदाधिकारियों ने एम्बुलेंस कर्मचारियों को संविदा कमेटी में शामिल किया जाए एवं यूटीबी की तर्ज पर नर्सिंग स्टाफ को 37,800 और पायलट का 26,800 रुपए मानदेय किए जाने की मांग की है। साथ ही कंपनी द्वारा पुराने स्टाफ को हटाकर उसके स्थान पर अनट्रेड स्टाफ को लगाकर रोगियों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ज्ञापन में इस बाबत कंपनी के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने तथा पुराने कर्मचारियों की मांगों को पूरा कर उन्हें राहत देने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में एमटी प्रभु सिंह, विवेक कुमार, कुलदीप, नवनीत, योगेश तथा मकबूल काठात आदि शामिल थे। 2 तारीख से लगाकर 13 तारीख तक अभी तक 108 की गाड़ी खड़ी है, सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रही है। इसके कारण आमजन को भी परेशानी हो रही है और कर्मचारियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इसके तहत हम एडीएम साहब को ज्ञापन देने आए हैं ताकि सुचारू रूप से 108 का संचालन हो सके और आमजन को सुविधा मिल सके। राज्य सरकार से हमारी यही मांग है कि इसको जल्द से जल्द पूरी की जाए ताकि आमजन को इसका सामना करने से राहत मिले।